नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम जनवरी 2022 के कुछ शुभ मुहूर्तों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि विवाह संस्कार के मुहूर्त, सगाई के मुहूर्त, गृह आरंभ के, वधु प्रवेश, द्विरागमन, चौल संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्ण वेद संस्कार, उपनयन संस्कार, वाहन खरीदना, वाहन बेचना, नया मकान या प्लॉट खरीदना है तो उसका मुहूर्त, या फिर नया व्यापार शुरू करना है, इत्यादि जितने भी सामान्यतया जितने भी हम मुहूर्तों का प्रयोग करते हैं जन सामान्य की अवस्था में, उन सभी मुहूर्तों को संकलित करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं यह जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मुहूर्तों की आवश्यकता लोगों को रहती ही रहती है। अगर यह वीडियो आपके किसी काम का हो, आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ऐसे आपके परिवार में कोई है तो उनको यह वीडियो शेयर करें। अगर पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही शास्त्रीय जानकारी, विषयों के मुहूर्त इत्यादि की जानकारी आपको विस्तार से शास्त्र प्रमाण के साथ हम देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जनवरी 2022 के कुछ शुभ मुहूर्तों के विषय में। जनवरी 2022 में सबसे पहले विवाह संस्कार के मुहूर्तों की बात करें तो 15 जनवरी 2022 तक धनार्क है, मतलब मुहूर्त नहीं है, खरमास होने के कारण कोई भी मुहूर्त नहीं है। सबसे पहला मुहूर्त है 20 जनवरी 2022 गुरुवार, माघ कृष्ण द्वितीया तिथि। 21 जनवरी 2022 शुक्रवार, माघ कृष्ण तृतीया तिथि। 22 जनवरी 2022 शनिवार, माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि। 23 जनवरी 2022 रविवार, माघ कृष्ण पंचमी तिथि। 24 जनवरी 2022 सोमवार, माघ कृष्ण षष्ठी तिथि। 26 जनवरी 2022 बुधवार, माघ कृष्ण नवमी तिथि। 27 जनवरी 2022 गुरुवार, माघ कृष्ण दशमी तिथि। 28 जनवरी 2022 शुक्रवार, माघ कृष्ण एकादशी तिथि। 29 जनवरी 2022 शनिवार, माघ कृष्ण द्वादशी तिथि। और 30 जनवरी 2022 रविवार, माघ कृष्ण त्रयोदशी तिथि। यहाँ पर एक आवश्यक सूचना आपको प्रदान करें कि काफ़ी सारे मुहूर्त, अगर काफ़ी सारे विद्वान पंडित लोग भी हमारे वीडियो देखते रहते हैं तो कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारे वीडियो में जो जो मुहूर्त है वो प्रादेशिक पंचांगों में कुछ जगह पर नहीं होते, तो उन सभी लोगों के लिए एक सूचना आपको प्रसारित करें कि इसमें जो मुहूर्त बताए गए हैं भारत के विभिन्न प्रांतों के पंचांगों को मिलाकर बताए गए हैं। तो अगर आपके पंचांग में, आपके प्रादेशिक पंचांग में वह मुहूर्त नहीं है, मतलब उस समय उस योग में आपके यहाँ मुहूर्त नहीं है, तो आपके प्रादेशिक पंचांग है वह देखकर ही मुहूर्त का आकलन करें। अगर आप अपने यहाँ के मुहूर्तों की जानकारी चाहते हैं, आपके प्रदेश के अनुसार मुहूर्तों की जानकारी चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सएप पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। सगाई के मुहूर्तों की बात करें तो 22 जनवरी 2022 शनिवार, माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि। 23 जनवरी 2022 रविवार, माघ कृष्ण पंचमी तिथि। अब वधु प्रवेश के मुहूर्तों की बात करें तो 14 जनवरी 2022 शुक्रवार, पौष शुक्ल द्वादशी तिथि। 22 जनवरी 2022 वधु प्रवेश के मुहूर्तों की बात करें तो 14 जनवरी 2022 शुक्रवार, पौष शुक्ल द्वादशी तिथि। 20 जनवरी 2022 गुरुवार, माघ कृष्ण द्वितीया तिथि। 24 जनवरी 2022 सोमवार, माघ कृष्ण षष्ठी तिथि। 27 जनवरी 2022 गुरुवार, माघ कृष्ण दशमी तिथि। अब द्विरागमन के मुहूर्तों की बात करें तो द्विरागमन का एक भी शुभ मुहूर्त जनवरी के महीने में हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। सीमंतोन्नयन संस्कार की बात करें तो 4 जनवरी 2022 मंगलवार, पौष शुक्ल द्वितीया तिथि। 6 जनवरी 2022 गुरुवार, पौष शुक्ल चतुर्थी तिथि। 9 जनवरी 2022 रविवार, पौष शुक्ल सप्तमी तिथि। 11 जनवरी 2022 मंगलवार, पौष शुक्ल नवमी तिथि। 13 जनवरी 2022 पौष शुक्ल एकादशी तिथि।
और 16 जनवरी 2022 रविवार पौष शुक्ल चतुर्दशी तिथि। यहाँ पर भी एक आवश्यक सूचना आपको प्रदान करें, काफ़ी लोग कहेंगे कि पंडित जी खरमास चल रहा है उसी में आपने ज़्यादातर मुहूर्त सीमंतोन्नयन के प्रदान किए हैं, तो सीमंतोन्नयन संस्कार है वह सीमित समय में करना अत्यावश्यक है। तो उस विषय के मुहूर्तों में ग्रंथों में यह प्रमाण मिलता है कि सूर्य अस्त हो मतलब खरमास चल रहा हो, गुरु शुक्र अस्त हो, वह दोष इसमें नहीं लगता है। मुंडन संस्कार के मुहूर्तों की बात करें तो एक मुंडन संस्कार का मुहूर्त है 28 जनवरी 2022 शुक्रवार माघ कृष्ण एकादशी तिथि। कर्णवेद संस्कार के मुहूर्तों की बात करें तो कर्णवेद संस्कार के कुल दो मुहूर्त इस महीने हमें प्राप्त हो रहे हैं, 24 जनवरी 2022 सोमवार माघ कृष्ण षष्ठी तिथि और 27 जनवरी 2022 गुरुवार माघ कृष्ण दशमी तिथि। यज्ञोपवीत संस्कार के मुहूर्तों की बात करें तो कुल दो यज्ञोपवीत के भी मुहूर्त है, 19 जनवरी 2022 बुधवार माघ कृष्ण द्वितीया तिथि और 27 जनवरी 2022 गुरुवार माघ कृष्ण दशमी तिथि। अब भूमि क्रय के मुहूर्त मतलब अगर नया प्लॉट या मकान खरीदना चाहते हैं तो उसके मुहूर्त है 7 जनवरी 2022 शुक्रवार पौष शुक्ल पंचमी तिथि, 14 जनवरी 2022 शुक्रवार पौष शुक्ल द्वादशी तिथि, 20 जनवरी 2022 गुरुवार माघ कृष्ण द्वितीया तिथि, 21 जनवरी 2022 शुक्रवार माघ कृष्ण तृतीया तिथि और 27 जनवरी 2022 गुरुवार माघ कृष्ण दशमी तिथि। इसमें आप खरमास के मुहूर्तों का त्याग कर सकते हैं। गृहारंभ के मुहूर्तों की बात करें तो 20 जनवरी 2022 गुरुवार माघ कृष्ण द्वितीया तिथि, 22 जनवरी 2022 शनिवार माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि और 24 जनवरी 2022 सोमवार माघ कृष्ण षष्ठी तिथि। गृह प्रवेश के मुहूर्तों की बात करें तो कुल दो गृह प्रवेश के मुहूर्त है, 22 जनवरी 2022 शनिवार माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि और 24 जनवरी 2022 सोमवार माघ कृष्ण षष्ठी तिथि। व्यापार के मुहूर्तों की बात करें तो 9 जनवरी 2022 रविवार पौष शुक्ल सप्तमी तिथि, 10 जनवरी 2022 सोमवार पौष शुक्ल अष्टमी तिथि, 14 जनवरी 2022 शुक्रवार पौष शुक्ल द्वादशी तिथि, 22 जनवरी 2022 शनिवार माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि, 23 जनवरी 2022 रविवार माघ कृष्ण पंचमी तिथि, 24 जनवरी 2022 सोमवार माघ कृष्ण षष्ठी तिथि। वाहन खरीदने के मुहूर्तों की बात करें तो 5 जनवरी 2022 बुधवार पौष शुक्ल तृतीया तिथि, 6 जनवरी 2022 गुरुवार पौष शुक्ल चतुर्थी तिथि, 9 जनवरी 2022 रविवार पौष शुक्ल सप्तमी तिथि, 17 जनवरी 2022 सोमवार पौष शुक्ल पूर्णिमा तिथि, 23 जनवरी 2022 रविवार माघ कृष्ण पंचमी तिथि, 24 जनवरी 2022 सोमवार माघ कृष्ण षष्ठी तिथि और 27 जनवरी 2022 गुरुवार माघ कृष्ण दशमी तिथि। अत्यावश्यक होने के कारण आप खरमास में ले सकते हैं, वरना हम आपको यही सूचित करते हैं कि खरमास समाप्त होने के बाद मतलब 17 जनवरी के बाद के जो मुहूर्त है उसी का आप प्रयोग करें। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसमें जो मुहूर्त बताए गए हैं वह नक्षत्र तिथि वार योगों की गणना पे जो दिन शुभ पड़ रहे हैं वह बताए हैं। जरूरी नहीं है कि हर मुहूर्त हर व्यक्ति के लिए शुभ हो, क्योंकि व्यक्ति की राशि के हिसाब से, उसकी कुंडली के हिसाब से कुछ ग्रह गोचर में किस प्रकार है वह सब मिलाकर उस व्यक्ति के लिए शुभ मुहूर्त है या नहीं वह तय किया जाता है। तो हर व्यक्ति के लिए हर मुहूर्त शुभ नहीं होता। अगर आप अपने लिए शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही शास्त्रीय जानकारी शास्त्र प्रमाणों के साथ आपको मिलती रहेगी। अगर आप 2022 के जितने भी शुभ मुहूर्त है, जैसे कि वर प्रवेश विवाह संस्कार का मुहूर्त है, नया मकान बनाना हो, गृह प्रवेश का, वाहन खरीदना, पूरे साल के किस दिन मुहूर्त है अगर वह जानना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, और अगर मंदिर में भगवान की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए उस विषय में जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक देवी देवताओं की अलग अलग प्रदक्षिणा होती है,
कैसे प्रदक्षिणा करनी है उस विषय में सारी शास्त्रीय जानकारी जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही शास्त्रीय जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम।